बनारस की तरफ से खेलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रेफरी क्लब वाराणसी की तरफ से। ये पदक मैंने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में होने वाली प्रतिस्पर्धा जो कि स्टेट लेवल की थी उसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया है 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में, और टीम में गोल्ड मिला है। ये कंपटीशन एक तो स्टेट लेवल का था तो काफ़ी बड़ा ही था, क्योंकि स्टेट में जितने भी खिलाड़ी हैं सभी आए हुए थे। उसमें मेरी सेकंड रैंकिंग रही 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट जो कि चलाते हैं। कितना संघर्ष था ये आपके लिए, कितना आप उम्मीद लगाते हैं और आगे क्या उम्मीद रखते हैं? संघर्ष तो हर खेल में होता है, उसमें वो तो अपने स्पर्धा के ऊपर है कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना मार सकते हैं, कितना खेल सकते हैं, आपकी मेहनत के ऊपर है। सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसमें स्कोर मेरा दूसरे नंबर का था जिससे कि मेडल मिला, सिल्वर मेडल। 50 मीटर की रेंज थी तो उसमें आगे अब क्या प्रयास रहेगा आपका? अब आगे नेशनल खेलना है, नेशनल में मेडल मारना है, आगे इंडिया टीम में जाना है। घर का किस तरीके का सपोर्ट रहा है आपके घर में, और क्या निशानेबाजी से घर में लोग जुड़े हुए थे पहले से ही? जी, हमारे चाचा हैं श्री उदय प्रताप सिंह, पिताजी हैं श्री अमरजीत सिंह और श्री अरविंद कुमार सिंह, बड़े भाई हैं आकाशदीप सिंह, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। मेरा पूरा परिवार शूटिंग से संबंधित है, सभी लोग का सपोर्ट रहता है, अच्छा सपोर्ट। इसके पहले मैं स्टेट में गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल प्राप्त कर चुका हूँ, और 300 मीटर राइफल प्रोन पोजीशन में ही जो कि बिग बोर गेम के नाम से जाना जाता है उसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और इसके साथ ही मैं इंडिया टीम का ट्रायल भी दे रहा था जिसमें मेरी रैंकिंग ऑल इंडिया में 11वीं थी, लेकिन बाइक एक्सीडेंट के कारण हाथ खराब हो गया, हाथ खराब हो जाने के कारण मैं फिर वापस नीचे चला गया, 25वीं रैंकिंग हो गई ऑल इंडिया। मौजूदा सरकार की अगर बातें की जाए तो जिस तरीके से स्पोर्ट्समैन को काफ़ी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बनारस के अभी यहाँ से ललित जी यहाँ से निकले, उसके बाद सरकार का योगदान बहुत अच्छा है खिलाड़ियों के साथ। अब बाकी खिलाड़ियों को करना है जो भी करना है, सरकार तो अपना पूरा साथ दे रही है। अब जैसे हमारे रेंज पे व्यवस्था नहीं थी प्रैक्टिस करने की, तो उन्होंने हमें रेंज मुहैया कराया, अच्छे रेंज जो कि बन रहे हैं अभी इंटरनेशनल शूटिंग रेंज की तरह से बनेंगे। संसदीय क्षेत्र है तो क्या उम्मीदें लगाते हैं आप स्पोर्ट्समैन के लिए? ये तो हमारे लिए बेहतर है कि जो होगा अच्छा ही होगा। बनारस से भी कई खिलाड़ी जो है आगे कामयाबी हासिल की, क्या कहेंगे आप? सरकार का बहुत सपोर्ट है, अभी तो फिलहाल में देखिए सभी खेलों को लेके उन्होंने बहुत अच्छा वो किया है, एक पहल शुरू की है खेल के प्रति। उसमें अब देखिए जैसे हम लोग के पास वो जहाँ प्रैक्टिस करते थे हम लोग वहाँ शूटिंग रेंज नहीं थी, लेकिन उसके लिए भी पैसा वैसा पास हुआ, अच्छा रेंज बन रहा है इंटरनेशनल कैटेगरी का। काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर अब जैसे स्पोर्ट्स को लेकर, जो है युवा जो है काफ़ी बढ़ के आना चाहते हैं। जी जी जी, तो कितना यहाँ पे बना रहे तो ये सरकार की देन, ये सरकार की ही देन है कि युवा जो आगे बढ़ रहे हैं खेल के प्रति, वो ये सरकार की ही देन है। खेलो इंडिया जैसी भी यहाँ पे काफ़ी प्रमोट की गई है, यहाँ पे स्पोर्ट्स मैन जो काफ़ी नौकरियों को लेकर एक उदासीनता रहती थी सरकारों की, क्या कहेंगे आप? नहीं, खेलो इंडिया वाली पहल सबसे अच्छी है सरकार की पहल, क्योंकि इसमें युवा को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है।